फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, केम छो, मजामा? मैं तो एकदम मजामा। तो आज है ना मेरा शूट है, और आज का जो शूट है ना वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है ना मैं माँ दुर्गा का लुक करने वाली हूँ। क्योंकि यार अभी थोड़े ही दिनों में नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि ये लुक कर ही लेते हैं। क्या कहना है आप सबका? सो मैं ना रेडी हो गई हूँ, बस है ना मुझे नाश्ता करना है, तो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे हम मेकअप कराने के लिए। और आज का वीडियो है ना बहुत स्पेशल होने वाला है, तो जल्दी से जाके कमेंट में जय माँ दुर्गा लिख देना, और उसके बाद में वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? तो मेरा नाश्ता करने से पहले है ना हम मियाँ को खाना दे देते हैं, क्योंकि उसको खाना देने में ना बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैडम का कहना है ना? दे रही हो ना मियाँ, हट थोड़ा पीछे तू। चलो मियाँ तो खाना खा रही है, अभी देखते हैं चिकू बेबी क्या कर रहा है, उसको भी तो दिखाना बनता है। नहीं यार, आजा। आज हमारे घर पे है ना मेरे दीदी के रूप में ना माँ दुर्गा आने वाली है, तो हम सब है ना माँ दुर्गा के भी दर्शन करेंगे। जी आजा, तेरे से ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे, आप सब लोग भी सुनो, मैं कब से उसको बोल रही हूँ तेरे से इम्पोर्टेंट बात करनी है, वो सुन ही नहीं रहा है। जी बता फिर, स्कूल कब से जाने का है तेरे को? मेरे को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं माँ के पेट में से ही सब कुछ सीख के आया है, तो अगर किसी को सीखने का है तो वो मेरे पास आएंगे मेरे स्कूल में। देखो नाश्ता भूल कर है ना मैं खाना ही खा रही हूँ, क्योंकि यार अभी सब्जी और रोटी दोनों बन गए हैं, तो खा ही लेते हैं ना। चलो चलो, तो नाश्ता तो हो गया, अभी बस वेट करते हैं कल्याणी मैम का, क्योंकि कल्याणी मैम ही घर पर आने वाली है मेरा मेकअप करने के लिए। और आप सबको पता है मेरी है ना तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, पता है मुझे है ना फीवर हो रखा है, और है ना बार बार ऐसे चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट शूट करना भी तो जरूरी है ना, शूट को आगे भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि और लेट हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हिम्मत करके है ना मैं शूट कर ही लूंगी, क्योंकि यार आप सबके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अभी मैं ना मेडिसिन खा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठीक लगने के लिए, क्योंकि क्या है यार ऐसे बीमार रह के भी अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मेडिसिन खा लेते हैं फटाफट। और आप सबको पता है मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मेरे तो गले से ही नहीं उतरती है। खा रही हूँ, रुको। बहुत ही कड़वी गोली थी, छी, इसका टेस्ट भी ले लिया मैंने गोली का। कब तक आएंगे मम्मी मैम मेकअप करने के लिए? मैं तो बोल रही थी को कैंसिल कर देते, जरूरी नहीं है। नहीं अभी मैं रेडी हो ही गई हूँ, तो कर लेते ना, अभी मैम भी आने वाले हैं। आराम कर तू घर पे, कल कर लेना शूट। नहीं अभी आज ही कर लेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि आज ही शूट करना है, तो आज ही कर लेते हैं। तो इतना बुखार आ रहा देखो। सच में यार मेरी तबीयत है ना अभी बहुत खराब हो गई, मुझे ना चक्कर आ रहे, उठना भी नहीं हो रहा है। कल ही पापा के साथ मम्मी और मेरी किरकिरी हुई, और पापा हमसे बात नहीं कर रहे, और आज सुबह ही पापा कहीं चले गए हैं। फाइनली जिनका मुझे था इंतजार, कल्याणी मैम आ गए। कब से वेट कर रही थी मैं, और मैम अपना मेकअप का सारा पिटारा लेके आई है, देखो। हाय मैम, आज तो बहुत क्यूट लग रहे हो, आओ अंदर आओ, आपका स्वागत है। थैंक यू, सॉरी लेट हो गया। कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार मैं हमेशा मैम को बोलती हूँ ये मेरे को ले दो, मैं लेती हूँ आपकी। अच्छा ले ले, मेरे लिए तेरा मिलियन फॉलोअर्स सुबह सेलिब्रेशन। थैंक यू सो मच। और ये केक, इतने सारे, थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो मैम हमारी कितनी स्वीट है। देखते हैं इसमें क्या है, मैम तो बोल रहे कुछ अच्छा सा गिफ्ट है इसमें, देखते हैं। तो हेल्प के लिए हमने सोनल मासी को बुला लिया है, ये देखो गणपति है मैम, गणपति बप्पा को लेके आई है, देखो। वाह कितनी क्यूट है ना, कितनी क्यूट है हमारे गणपति बप्पा। थैंक यू मैम, अभी मैं इसको मेरे पास ही रखूंगी, बहुत क्यूट है बहुत। इसको मैं चिढ़ा रही हूँ, इसको मैं आज से मासी बोलूंगी। यार मासी कैसे लगेगा यार, आप सब लोग भी इसको मासी बोलना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं। चल चल, तो अभी है ना सबसे पहले मैं आपको है ना आउटफिट और ज्वेलरी दिखा देती हूँ, बस ये यहाँ पे अरेंज हो जाए। मैम बताओ कैसा लुक करने वाले हैं आज हम? बंगाली दुर्गा का लुक करने वाले। यस, बंगाली दुर्गा का लुक करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है कि नहीं मैम? यस यस। चलो अभी मैं आपको है ना आउटफिट और ज्वेलरी दिखा देती हूँ, और ज्वेलरी तो देखो कितनी सारी ज्वेलरी है। तो ये देखो, ये रहा ब्लाउज, और मैम इस पे साड़ी पहनने वाले ना, और बंगाली साड़ी है,
बड़ा वाला हार है और ये तीनों सेट है ना, ये तीनों सेट है देखो, सबसे बड़ा वाला, ये मिडल वाला और ये छोटा वाला सेट, और ये जो है बैंगल, इधर के साइड है एयर रिंग्स और ये रही नोज रिंग। ये कमरबंद मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी डिजाइन देखो ना कितनी अच्छी है। मुझे ना ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो शूट करना है, इसीलिए देखो एक ही हाथ पे लगेगा ऐसे अलता। मैम अभी मुझे लेंस पहनाने वाले हैं, मेरे को अभी डर नहीं लगता, पहले मुझे ना बहुत डर लगता था लेंस पहनने के लिए, लेकिन मुझे अभी आदत हो गई है। हाय, लेंस लग रही है गाइस, देखो अब देखो मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही हूं। मैं नहीं रोई यार, देखो मैं तेरे पे नहीं रोई। बताओ तो ये लेंस का कलर कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तो अभी हम लोग फटाफट क्रिम्पिंग स्टार्ट कर देते हैं, कैसे उससे बाल सेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद में मेकअप होगा। देखो मेरी है ना क्रिम्पिंग हो गई और कितने बाउंसी बाल लग रहे हैं मेरे, अभी इनको सेट करना है, हमको सेम ऐसा लगाना है, ऐसे डिजाइन। देखो मम्मी है ना मुझे चेयर के पीछे से तकिया लगा के दे रही है, क्योंकि ऐसे झुक के मेकअप करना है ना गर्दन दर्द देती है। मेरा मेकअप जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, सबसे पहले ना मैम आई का मेकअप करने वाले हैं, और मैंने ना मैम को एक फोटो भी दिखाया कि मुझे ना सेम ऐसा वाला मेकअप चाहिए, साइड में आपको फोटो दिख रहा होगा, देखो इसमें क्या है, आई शैडो पैलेट, और मैम है ना इस बार न्यू वाला आई शेडो पैलेट लेके आए। वाओ मैम अच्छा है, मस्त है। तो देखो मेरा आई मेकअप हो गया, आप सब लोग कमेंट्स में बताओ कैसे लग रहा है, अभी बस लैशेस लगाना बाकी है, तो हम पहले फेस का मेकअप करेंगे फिर लैशेस लगाएंगे, और देखो साइड बाय साइड मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली। हाँ ये देखो पैर का अलता वगैरह सब लगा के कंप्लीट हो गया। देखो हमारा मेकअप चल ही रहा था तो मम्मी आ गई बस गर्मा गर्म समोसा लेके हम सबके लिए, थैंक यू मम्मी, खा ले। चलो मैम अभी पहले खा लेते हैं। पहले खा ली तू, एकदम मादी हो गई है अभी, तबीयत खराब है। हाँ। फिर भी सुन रही नहीं। हाँ थोड़ा खाना चाहिए, मेरे को अभी समोसा नहीं खाना था इसलिए। ये पूरी मेकअप की खुशबू नीचे तक आ रही थी तो मैं देखने के लिए आया, कहीं ये मेकअप इधर ही बनाना तो नहीं शुरू कर दिए, इधर ही पका रहेगा मेकअप। स्टाइल की साड़ी हम लोग पहनने वाले हैं, हम ना भी बंगाली स्टाइल की पहन रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लुक है वो बंगाली दुर्गा का है, इसलिए हम बंगाली साड़ी पहन रहे। ओके समझ गए आप सब लोग। चलो देखो साड़ी पहनने में ही है ना ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि है ना बंगाली साड़ी पहन रहे थे ना, अभी हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं। ओह माय गॉड एयररिंग्स बताओ आपको कैसे लग रहे। तो आज के लुक में है ना मेरे बालों में हेयर एक्सटेंशन भी लगाने वाले हैं, देखो वहाँ पे दो दो है, पता नहीं अब मैम कौन सा वाला हेयर एक्सटेंशन लगाता है। हेयर स्टाइल में क्या करने वाले हैं, मिडल पार्टीशन कर रहे हैं मैम, देखो हेयर स्टाइल के लिए भी कितना टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 2-3 घंटे तो लगते ही है मेकअप के लिए। 3 घंटे के ऊपर हो गए हम मेकअप कर रहे हैं। हाँ और आज का लुक कैसे एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको स्पेशल लुक है ना, इसीलिए और ज्यादा टाइम लग गया। हमारी दीदी है ना एकदम दुर्गा माता के जैसे लग रही, इसलिए अभी मैं ज्यादा कॉमेडी नहीं करूँगा। देखो अभी सबसे इम्पोर्टेंट हम है ना यहाँ पे आँख लगाने वाले हैं। देखो ये रही हमारी दुर्गा माता की तीसरी आँख, इसको है ना हमने लेंस भी लगाया है ताकि मैच हो सके। देखो यहाँ पे तीसरी आँख को है ना ग्लू लगा रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पे चिपका देंगे उसको। देखो मैम
मैम ने ना ये सिंदूर भी लगाया, मैंने इसके लिए मना किया था मैम को, फिर मैम ने बोला कि देवी के लुक के लिए ना सिंदूर लगाना ही पड़ता है ना मैम। हाँ, तो जो हमने लुक किया है वो बंगाली दुर्गा है, तो बंगाली दुर्गा जो है सिंदूर के बिना अधूरी लगती है, इसलिए उसको हमको लगाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने काव्या को आज सिंदूर लगाया है, तो वो प्यारी दुर्गा देवी लग रही है। इसलिए अगर हमने इतना मेहनत करके अगर वो छोड़ दिया तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, और लुक भी इनकम्प्लीट लगेगा। हाँ, उसके वजह से इसीलिए सिंदूर लगाया है। हाँ। तो मैं ना आप सबको एक बात बताना ही भूल गई, पापा मुझसे और मम्मी से है ना कल से बात नहीं कर रहे, बट आज जब शाम को पापा घर पर आएंगे और मुझे ये देवी वाले लुक में देखेंगे तो पता नहीं बात करेंगे कि नहीं करेंगे। यार देवी से बात किए बिना कोई कैसे रह सकता है, बात तो करेंगी बट देखते हैं क्या होता है और पापा कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी देखेंगे। मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ, अभी मैं आप सबको मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप सब प्लीज कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा, और एक बार फिर से लिख देना जय माँ दुर्गा। देखो मैं तो रेडी हो गई हूँ, पर हमारे सिनेमाटोग्राफर और फोटोग्राफर वाले भैया भी आ गए। आओ ना इधर, उधर हाय, कैसे हो आप? अभी हमारा सेटअप चालू है बनाना। यस, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सेटअप बन रहा है। देखो यहाँ पे ना ये गुलाब के फूल की पत्ती है, अभी हमने इसको सेट कर रहे हैं अच्छे से। ये देखो ये रहा यहाँ पे हमारा कैमरा, और इधर की साइड है फूल। चलो लाइट कैमरा एक्शन, अभी हमारे भैया शूट करेंगे, और आप सब लोग बताना कैसे शूट हो रहा है। ठीक है, तो पापा है ना थोड़ी देर में घर पर आ रहे हैं, तो देखते हैं पापा है ना मेरे इस लुक पे क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो फाइनली पापा आ गए, मैं हॉल में बैठी हुई थी, जैसे ही पापा का आवाज़ आया ना मैं तुरंत अपने रूम में भाग के आई हूँ, और पापा के रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, और पता नहीं पापा ने हमारे लिए भी क्या सरप्राइज लाया है। पापा ने ना डायरेक्ट इधर मेरे रूम में आना चाहिए, तभी है ना पापा के रिएक्शन आएंगे। आवाज़ दे तू पापा को। पापा इधर आओ। अरे आ गए पप्पा, चुपचाप कर देखना इधर। देखो पापा, पता है दो दिन से मम्मी से और मेरे से बात नहीं कर रहे थे, और आज कैसे बात कर रहे हैं। ये लो आशीर्वाद। मैंने भी ना एक सरप्राइज लाए वाला है। क्या? रुक दिखा दो सरक। वाह! और क्या है मालूम तुम्हें ये क्या? पापा और काय के लिए लाए मालूम क्या? हाँ? ये है ना जो अपना सेलिब्रेशन करेंगे ना अपन 10 मिलियन का। हाँ? तो प्रोजेक्टर के ऊपर है ना तेरे ना ऐसे अच्छे अच्छे वाले वीडियोस प्ले होंगे अपने टेरेस पे एकदम बड़े स्क्रीन पे। हाँ, इसको अभी सेटअप करेंगे। तो हो गया तुम्हारा शूट भी? हो गया क्या? हाँ, हो गया पापा। क्यों? अभी ये मैं ना इसको सेटअप करता, फिर देखना बड़े स्क्रीन पे ना कैसा दिखता। ठीक है, चलेगा चलेगा। ये लो ये पकड़ो, सेटअप करो इसको। 3, 2, 1 गो। रेडी? परफेक्ट। अच्छा लग रहा है ये वाला शॉट, और एक बार ले लेते हैं। तो अभी है ना हम यहाँ पे प्रोजेक्टर सेट कर रहे हैं टेरेस पे, मतलब अभी यहाँ पे मैं चेक कर रहा था रूम के अंदर, फिर अभी उसको अपन क्या करेंगे बाहर लगाएंगे, और अभी नीचे शूट चल रहा ना सब, उनको सबको ऊपर बुलाएंगे और टीजर दिखाएंगे सबको सॉन्ग का। अच्छा लग रहा है, अभी इसको ना बाहर लेके जाएंगे ना तो बड़ी स्क्रीन हो जाएंगे फिर।
बड़ी स्क्रीन पे सबका रिएक्शन लेंगे, देखेंगे कैसा दिख रहा है। देखो कैमरे के पीछे कितने लोग मेहनत कर, और स्पेशली मेरी मम्मी अभी इतना, मतलब उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, अभी भी वीक है मम्मी, लेकिन फिर भी मम्मी मेरे लिए बहुत मेहनत करती है। थैंक यू मम्मी। ए, किसी को आशीर्वाद चाहिए क्या? हो ना ऐसे, मैं देती हूँ सबको आशीर्वाद। ये लो, आ जाओ मासी, दे दो, सुखी रहो, मेरे साथ ही रहो। और हमको भी दे दो। अरे मैम आप मेरे को दो आशीर्वाद। लग जाएगा मेरे चेहरे पे। मम्मी आप सबको पता है आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? तेरे दिल तक आना है जो सॉन्ग है ना, उसका जो टीजर है ना, वो कल आने वाला है। अरे वाह। लेकिन मैं आज ही आप सबको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे। हाँ, सबसे पहले तुम ही, तुम तीनों को ही दिखाने वाले हैं, देखते हैं इनके रिएक्शन कैसे आता है। ठीक है। और टीजर है ना वाला डीजे के चैनल पे आने वाला है, तो आप लोग है ना ये वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत जाओ और टीजर देखो और बताओ कैसा लग रहा है। ठीक है? यस यस। अभी है ना ऊपर मैंने पापा को बोला है जो नया प्रोजेक्टर आया ना वो लगाने के लिए, उसमें हम टीजर देखेंगे। ठीक है? तो देखो मैम ने ना मेरे 10 मिलियन हो गए है ना, तो इसीलिए मैम ने केक लाया है। थैंक यू सो मच मैम, कितने स्वीट है, ये देखो 10 मिलियन। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। पापा अभी ये कौन सा नया आइटम आएगा अपने घर के अंदर? ये मेरे खेलने के लिए ले आया गया, ये इसके ऊपर चढ़ने का है, खंभे के ऊपर है। और बड़ी करने की स्क्रीन, और बड़ी करेंगे। अरे बाप रे, हमारे घर में तो है ना सच में कि दुर्गा माता आए वाली है। अभी है ना तुम 2 मिनट नीचे रुको और फिर ऊपर आओ। 2 मिनट नीचे रुकना है? नीचे रुको तुम और फिर आवाज लगाना। ठीक है चलेगा, जल्दी आवाज दो पापा। ये देखो दो दोस्त कहाँ चली। नहीं ठीक है, ये मेन आदमी हमारा चीकी फेवरेट गर्ल, हैशटैग चीकी फेवरेट गर्ल। आओ के पापा हो गया क्या? 2 मिनट कब के हो गए? अभी तक नहीं, 2 मिनट 1 मिनट ऐसे घूम है ना, 1 घंटा ऐसे बिठा रहे हैं। हाय ची, आ गई तो क्या चल रही ऊपर तैयारी? पापा हम आ रहे हैं ऊपर। अरे जल्दी करो। वैसे ही फेस करना ही बस, जल्दी करो। हाँ चलो 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 आ गए हम। इतना अंधेरा क्यों करके रखा है? प्रोजेक्टर पे देखेंगे हम टीजर। आ जाओ सब खड़े हो जाओ, अंधेरा रहेगा यहाँ पे। चलो चलो प्ले। स्क्रीन में कितना अच्छा लग रहा है ना? यस बहुत अच्छा है। ये वाला सीन अच्छा लग रहा है, सबसे अच्छा है। अच्छा ये कितनी अच्छी दिख रही है। प्रवेश भी कितना अच्छा दिख रहा है इसमें। यस प्रवेश भी बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है बड़े स्क्रीन पे? अच्छा लग रहा है क्या? हां बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सबको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। टिकट निकाले क्या तुमने?
हाँ कहाँ टिकट, आके बालकनी में बैठ गए, आके यहाँ पे मुंह उठा के टिकट चाहिए टिकट। हो गया फिर शूट? हाँ हो गया। तो तबीयत ठीक नहीं, तो फिर कल करना था ना, कल परसों करना था ना? नहीं पापा, ये मेरा काम है ना, तबीयत वबीयत नहीं देखते, इसमें ही करना ही पड़ता है मुझे। बीमार है वो, फिर भी उसने बुखार है उसको, बुखार है कितना, उसको पेट दुख रहा हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने किया शूट। तो मैं ना हमारे काव्य से बात करना चालू करूंगा, तेरे से नहीं करूंगा। लेकिन तो यहाँ पे कौन आपसे बात करने के लिए तरस रहा है? अभी देखो, अभी है ना रात के 9:30 बज रहे, मतलब हमने है ना आज कितना शूट किया, सब लोग बहुत थक गए, ये देखो 9:30 बज रहे। सो गाइस, हम सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, तो आप हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो ना। आप बस है ना 10-15 मिनट का वीडियो देखते हो, लेकिन उसके पीछे आज देखा ना कितनी मेहनत लगती है, हम सबकी मेहनत है, हम सबकी। सो प्लीज यार लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। आप सबको मेरी विदाउट मेकअप स्किन देखनी थी ना, ये देखो अभी मैंने ना कोई भी मेकअप कुछ नहीं लगाया, पूरा फेस वॉश करके आई हूँ मैं, ये देखो। कैसी लगती है बताओ मेरी स्किन विदाउट एनी मेकअप, देखो।